दोस्तों आईपीएल 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी 10 टीमों को 26 नवंबर तक अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट आईपीएल कमेटी को सौंपनी है। फिर 19 दिसंबर को दुबई में मनी ऑक्शन होगा। उससे पहले फैंस को इंतजार है अपनी फेवरेट आईपीएल टीम के रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट का। ऐसे मार्च की इस वीडियो में हम सभी 10 टीमों के रिलीज प्लेयर्स आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल के बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं उन खिलाड़ियों पर जो सभी टीमों से रिलीज किए जाएंगे। और सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के रिलीज खिलाड़ियों की। दोस्तों एमएस धोनी की कप्तानी वाली सीएसके एक ऐसी टीम है जो ज़्यादा बदलाव में विश्वास नहीं करती। धोनी हमेशा अपने पुराने खिलाड़ियों को बैक करते हैं, इसलिए ज़्यादा बदलाव सीएसके के स्क्वाड में नहीं लग रहे हैं। हालांकि सीएसके की तरफ से सबसे बड़े रिलीज खिलाड़ी बेन स्टोक्स होंगे। कप्तानी के नज़रिए से सीएसके ने इस इंग्लिश खिलाड़ी पर 16 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्चे थे, लेकिन वे बार बार इंजरी का शिकार होते हैं। साथ ही आईपीएल 2023 में उनका परफॉर्मेंस भी निराशाजनक रहा था, इसलिए स्टोक्स रिलीज किए जाएंगे। स्टोक्स के अलावा सीएसके ड्वेन प्रिटोरियस, सिमरजीत सिंह, आकाश सिंह और सिसांदा मगाला को भी अपनी टीम से बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। अंबाती रायडू का भी रिलीज होना तय है, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। सीएसके के बाद अब गुजरात टाइटंस पर नज़र डालते हैं। दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम एकदम बैलेंस लग रही है, इसलिए ये भी ज़्यादा बदलाव नहीं करेंगे। गुजरात के रिलीज खिलाड़ियों में अभिनव मनोहर, ओडियन स्मिथ, सेवम मावी और यश दयाल हो सकते हैं। गुजरात के बाद अब दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं। इस टीम ने आईपीएल 2023 में भारतीय डोमेस्टिक खिलाड़ियों की लंबी पहुँच तैयार की थी, लेकिन ये खिलाड़ी उसके कोई काम ना आए और सब के सब फ्लॉप रहे, इसलिए ऐसे खिलाड़ियों को दिल्ली रिलीज करेगी। दिल्ली कैपिटल्स पृथ्वी शॉ, मनीष पांडे, रोमन पाबल, रिपल पटेल, सरफराज खान, अमन खान, अभिषेक पोरेल, कमलेश नागरकोटी, प्रवीण दुबे और मुस्तफिजर रहमान को रिलीज करने वाली है। वहीं अब कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करते हैं तो इस टीम से बड़े बड़े खिलाड़ी बाहर किए जाएंगे। इनमें सबसे बड़ा नाम आंद्रे रसेल का है। 16 करोड़ का ये कैरेबियन ऑलराउंडर आईपीएल में अब लगातार फ्लॉप हो रहा है। लौकी फर्ग्यूसन भी केकेआर से 10 करोड़ रुपए लेते हैं, इसलिए वे भी बाहर जाएंगे। इनके अलावा उमेश यादव, एन जगदीशन, मनदीप सिंह और जॉनसन चार्ल्स के नाम केकेआर की लिस्ट में दिख सकते हैं। केकेआर के बाद अब अगली टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स के रिलीज प्लेयर्स की बात करते हैं तो ये टीम भी लगभग सेटल है, इसलिए ये भी ज़्यादा बदलाव नहीं करना चाहेंगे। केवल 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो रिलीज हो सकते हैं। ये 4 खिलाड़ी हैं दीपक हुड्डा, आबिश खान, डेनियल सैम्स और जयदेव उनादकट। वहीं दोस्तों मुंबई इंडियंस की बात करते हैं। सीएसके की तरह मुंबई इंडियंस भी अपने स्क्वाड में ज़्यादा बदलाव नहीं करती। एमआई के रिलीज लिस्ट में रमनदीप सिंह, मोहम्मद अरशद खान, जोपरा आर्चर और ऋतिक शौकीन हो सकते हैं। जोपरा आर्चर का इस बार रिलीज होना तय है, क्योंकि इंजरी की वजह से आईपीएल में वे अवेलेबल रहेंगे या नहीं ये बिल्कुल कन्फर्म नहीं है। अब इस लिस्ट में अगली टीम पंजाब किंग्स पर नज़र डालते हैं। पंजाब हर साल मजबूत टीम के साथ उतरती है, लेकिन परफॉर्मेंस फिर भी उसका खराब ही रहता है। आईपीएल 2023 में उसके पास अच्छे खिलाड़ी थे, इसलिए ये टीम ज़्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी। इसमें सबसे बड़े रिलीज सैम करन हो सकते हैं। करन पर पंजाब ने 18.5 करोड़ रुपए खर्चे थे, लेकिन गेंदबाजी में वे बुरी तरह से फ्लॉप रहे। शाहरुख खान भी इस बार रिलीज हो सकते हैं। इस बल्लेबाज को बहुत मौके मिल चुके हैं, जिसका वे बिल्कुल फायदा नहीं उठा सके। इन दो के अलावा मैट शॉट, ऋषि धवन और राहुल चहर भी रिलीज होने वाले हैं। अब दोस्तों पहले सीजन के विनर राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं तो राजस्थान के रिलीज लिस्ट में पहले खिलाड़ी हैं देवदत्त पडिक्कल। 2 सीजन से लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। इसका कारण ये भी है कि देवदत्त एक ओपनर हैं, जबकि राजस्थान उन्हें 4थे नंबर पर उतारती है, इसलिए उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। उसके बाद जो रूट हैं, जिन्हें पहली बार आईपीएल खेलने का मौका मिला था लेकिन वे इसका फायदा नहीं उठा पाए। जैसन हुटर भी लगातार फेल हो रहे हैं, इसलिए वे भी बाहर जाएंगे। रियान पराग, नवदीप सैनी और मुर्गन असमन का भी राजस्थान की टीम से पत्ता कट सकता है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आईपीएल की सबसे पॉपुलर टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। इस टीम से फैंस को बहुत उम्मीदें रहती हैं, लेकिन आरसीबी हर बार फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर देती है। वैसे इस बार उसके बड़े खिलाड़ियों ने बहुत खराब खेल खेला था, जिसकी वजह से आरसीबी प्लेऑफ में अभी नहीं पहुंची थी। दिनेश कार्तिक, अर्शल पटेल और बानेंदु असरंगा, इन तीनों ने सबसे ज़्यादा निराश किया था, इसलिए तीनों का इस बार आरसीबी से पत्ता कटना तय है। इनके अलावा तूफानी बल्लेबाज फिन अलेन आईपीएल में एक मौका पाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आरसीबी ने अब तक उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया है, इसलिए वे खुद ही इस टीम से अलग होना चाहेंगे। और फिर केदार यादव और शाहबाज अहमद भी रिलीज हो सकते हैं। अब दोस्तों इस लिस्ट में सबसे आखिरी टीम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2023 के ऑक्शन के बाद हैदराबाद की टीम बहुत अच्छी लग रही थी। भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों के पास उसके पास अच्छा कॉम्बिनेशन था, लेकिन उसके बड़े बड़े खिलाड़ी चले नहीं। हालांकि एसआरएच अपने खिलाड़ियों को एक मौका और देना चाहेगी, इसलिए वे ज़्यादा बदलाव शायद ही करें। कुछ खिलाड़ी हैं जिनका रिलीज होना लगभग तय है। इनमें हैं हरी ब्रूक, वॉशिंगटन सुंदर, मयंक अग्रवाल और कार्तिक त्यागी।
इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को SRH ने इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके परफॉर्मेंस को देखकर करीब 13 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन एक शतक के अलावा सभी मैचों में वे एक एक रन के लिए तरसते दिखे। मयंक और वॉशिंगटन पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए थे, लेकिन ये भी फ्लॉप रहे। तो दोस्तों, ये रहे IPL 2024 के ऑक्शन से पहले सभी टीमों के रिलीज खिलाड़ी। वैसे IPL में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और वह टीम कौन कौन से खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। IPL 2024 से जुड़ी ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।